सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है आपका? रेवरेंड एल्विन सेंट सिंह जी। आज क्रिसमस डे के मौके पर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं क्रिसमस के मौके पर? यीशु मसीह के जन्म के विषय में, उनके आगमन के विषय में बताते हैं कि यीशु मसीह संसार में आया हम सबों के उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए, और फिर वो दोबारा आगमन का उसका संदेश भी इसी में शामिल है ताकि वो जब दोबारा आते हैं तो वो सभी विश्वासी दुनिया की किसी भी जात, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, सब उसके साथ राज्य में उसके अधिकार। जी आज क्रिसमस के मौके पर यहाँ क्या खास कार्यक्रम हो रहे हैं राठ के चर्च में? केवल यहाँ बच्चों का प्रोग्राम होता है, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना मानते हैं गाने के द्वारा, वचन बोलने के द्वारा, और जितनी चीज़ों से वो सहयोग देते हैं वो होता है, और साथियों को अगर रेफ्रेशमेंट का उनका प्रोग्राम किया है और कोई विशेष प्रोग्राम नहीं। जी क्या संदेश देना चाहते हैं इस क्रिसमस के मौके पर, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? प्रेम, शांति, उद्धार, आनंद, ये संदेश हम लोगों का बड़े दिन का संदेश है। मानव जाति को उद्धार प्राप्त करना है, प्रेम से रहना है, अपने देश की उन्नति के लिए, देश की तमाम जो समस्याएं हैं इनके हल के लिए प्रार्थनाएं की गई ताकि जो है देश में सुख और अच्छा वातावरण यहाँ बना रहे। देश के अधिकारियों के लिए विनती की गई जो देश का शासन चलाते हैं, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको ज्ञान बुद्धि और समझ से पूरी तरह से भरपूर रखे कि अच्छा से अच्छा हमारे देश का शासन चले, सभी लोग चैन और वातावरण में रह सकें और ये देश उनकी महिमा के लिए सब आपस में इस्तेमाल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैमुअल है जी। आज क्रिसमस के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैं अपने सारे नगरवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में प्रेम से रहें, जिस तरीके से ईसा मसीह इस दुनिया में आए थे प्रेम का संदेश देने के लिए, तो यही हमारा विचार है कि आज के इस पर्व के दिन से हम लोग ये शपथ लें कि आपस में प्रेम से रहें, किसी तरह का कोई विवाद न हो हमारे देश में, हमारे नगर में, और सब लोग आपस में प्रेम से खुशी से रह सकें। आज क्या प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ राठ में? हमारे मिशन में एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे ज़िले में इकलौता बड़ा चर्च है, सबसे पुराना, यहाँ पर प्रार्थना सभा होगी। प्रार्थना सभा के बाद स्कूल के जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे, 12 बजे से कार्यक्रम शुरू।
पूरी कोशिश की आपको आनंद देने की, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाज और उपस्थित हूँ आरती सौ सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।